और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे मुख्यमंत्री और सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बीते दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले थे सीएम और मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से मुलाकात की थी। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं सीएम नीतीश कुमार। 2024 के चुनाव को लेकर अहम चर्चा आज हो सकती है। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। कल लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात नीतीश कुमार ने की मीसा भारती के आवास पर। दरअसल विपक्ष को एकजुट करने में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं और 2024 के चुनाव को लेकर अहम चर्चा आज की इस मीटिंग में हो सकती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। विपक्षी एकजुटता को एक साथ एक मंच पर लाने की ये कवायद मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। चले बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की और आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि मीसा भारती के आवास पर कल लालू प्रसाद यादव से मुलाकात उन्होंने की। इलाज के दौरान दिल्ली में लालू प्रसाद यादव रह रहे हैं। उन्हें आने वाले दिनों में हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर भी जाना है। लालू यादव के अलावा सीएम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई और विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री 3 दिनों के दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। 13 अप्रैल को पटना वापस लौटेंगे। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की थी। मुख्यमंत्री ने तब इशारा किया था कि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, समय आने पर वो बातें बताई जाएंगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 2022 में सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं के साथ मुलाकात की थी।